आई विल बी इंस्टॉलिंग फॉग लाइट्स फॉर माई करोला। आप देख सकते हैं खांचे मैंने खाली कर दिए, पुराने उठा के फेंक दिए मैंने, क्योंकि अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें तो उसमें आप देख सकते थे बहुत पुरानी हो चुकी थी वो और फेड आउट हो गई थी, चलती तो वैसी थी नहीं। तो आई बॉट दिस पेयर ऑफ फॉग लाइट्स, ये आफ्टर मार्केट है, और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है। अच्छा जी, ऑब्वियसली आपको एक पेयर मिलेगा फॉग लाइट्स का। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, खोल के दिखा देता हूँ आपको एक, ये देखें भाई पन्नी 0 मीटर। अच्छा जी, और ये इसकी वायरिंग हार्डनेस है, कंप्लीट प्लग इन प्ले होती है और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सब कुछ उस प्लग होता है और चल जाती है। और ये कुछ जिप टाइज हैं, केबल टाइज, और ये फॉग लाइट का स्विच, जिससे आप स्विच ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। कुछ कॉमन हैंड टूल्स चाहिए होंगे, बिल्कुल सिंपल से टूल्स हैं। 8 mm की ज़रूरत पड़ेगी और 10 mm की ये वायर स्ट्रिपर है। ये कुछ वायर्स हैं जो अगर कहाँ पे एक्सटेंड करनी पड़ी तो ये लगाएंगे हम एक्सटेंशन। इसको इंस्टॉल करते हैं अब। तो गेम बड़ी सिंपल है, आप ये स्लॉट पे देखेंगे तो एक यहाँ पे एक स्क्रू है, स्क्रू का होल बना हुआ है, और यहाँ पे एक स्लॉट बना हुआ है स्क्रू का। तो अगर हम फॉग लाइट अपनी एक राइट साइड वाली है ये, और इस पर आप देखें तो ये एक स्क्रू है जो अंदर जाएगा और एक ये है, तो ये ठीक इस तरह बैठेगा। लेकिन हमें बम्पर के पीछे वाले साइड पे जाना पड़ेगा, व्हील के पीछे वाले साइड पे शील्ड हटा के, ताकि हम इसको सही तरह गाइड कर सकें होल से। व्हाट आई हैव डन इज़, मैंने स्टीयरिंग को, ये लेफ्ट साइड है गाड़ी के, और मैंने इससे स्टीयरिंग को राइट पे कर दिया है, और इसकी शीट है मैंने इसको पीछे कर दिया है ताकि मुझे क्लियरेंस मिले। और आप ये देखें कि स्लॉट मुझे नज़र आ गया है फॉग लाइट का। अब मैं इसको लगा के आपको दिखाऊँगा कि कैसे ये जो स्क्रू का है ना होल, ये वाला, इस पे मैं फॉग लाइट का ये वाला स्क्रू बिठाऊंगा, और दूसरा वाला तो नज़र नहीं आएगा, बट मैं इसको फील करके उसके होल पे बिठा दूंगा। ठीक है जी, ये भी बैठ गया। और इसके बाद इसके एक वॉशर लगा देंगे इसके ऊपर, ठीक है, और एक 8 mm का स्क्रू लगेगा इस पे, आई मीन नट, और इसको हैंड टाइटी कर दें आप फिलहाल अभी के लिए। ये हो गया, और इसी का इसका दूसरा साइड है, उस पर भी ऐसे एक वॉशर लगा दें और 8 mm का स्क्रू लगा दें। लेफ्ट वाली फॉग लाइट लगने के बाद अब हम राइट वाली लगाएंगे। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, जैसे आपने लेफ्ट वाली लगाई थी इसी तरह राइट वाली लगाएंगे। तो इसको हम लगा लेते हैं, ये लग गई दूसरी। अच्छा, अब इसके बाद आ जाए इलेक्ट्रिकल पे। इलेक्ट्रिकल पे मैंने ये एक डायग्राम बनाया है, जो हमारी वायरिंग हार्डनेस से जब हमें प्लग एंड प्ले मिली है उसका मैंने रेफरेंस डायग्राम बनाया, ताकि मैं थोड़ा समझा सकूँ डिटेल में। तो वायर कुछ यूँ है कि ये वाली केबल फॉग लेफ्ट फॉग की होगी, ये वाली राइट की होगी, उसके बाद जो केबल ऊपर जा रही है वो रिले में जा रही है, और ये नेगेटिव यानी ग्राउंड, और ये फॉग लाइट का ग्राउंड, ये पॉजिटिव वायर है जो यहाँ ऊपर रिले में जा रही है, और ये जो है ये फायरवॉल है गाड़ी की। इसके बाद हमने वायर अंदर लेके जानी इंटीरियर में, वहाँ पर स्विच लगेगा, ये स्टेयरिंग व्हील है, और ये फ्यूज़ है, और ये पॉजिटिव है। डायग्राम तो हम समझ गए, और अब फिज़िकल जो वायर है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, ये वायर है पूरी वायरिंग हार्डनेस, और ये लेफ्ट फॉक राइट फॉक का स्विच है, यहाँ पे आ जाए ये लेफ्ट फॉक का स्विच है, और ये उनका ग्राउंड है यानी नेगेटिव, उनका अर्थ कहते हैं इसको, ग्राउंड और नेगेटिव जो भी है। वायर ऊपर आ रही है पॉजिटिव केबल, ये जा रही है यहाँ पे रिले में, रिले में जा रही है, उसके बाद ये फ्यूज़ है। फ्यूज़ आपको पता होता है कि जब वोल्टेज अप डाउन होता है तो ये खुद को जला लेता है, लेकिन सर्किट को जलने से रोकता है। और ये ग्राउंड है रिले का, रिले से ग्राउंड आ रहा है, ये पॉजिटिव है, और ये स्विच है जिसमें ये बटन लगता है हम ट्रिगर करने के लिए। तो ये लग रहा होगा कॉम्प्लिकेशन, लेकिन बहुत आसान है। हमें ये पॉजिटिव ऐसी जगह पे लगाना है, मुझे, मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऐसी जगह पे लगाऊं कि जब मैं स्विच ऑन करूँ ना तो ये सिस्टम पूरा ना एक्टिवेट हो जाए, यानी इसमें पावर मिलने लगे। डायरेक्ट मैं इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं करूँगा। और ये ग्राउंड, आपको कोई भी ग्राउंड, मतलब कहीं भी अर्थ दिख रहा हो, सारे अर्थ, दो अर्थ हमारे पास, एक ये फॉक्स का है और ये रिले से आ रहा है, तो इन दोनों को हम जोड़ के कोई ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ पे हमें ग्राउंड मिल रहा हो। तो इसको हम इंस्टॉल करते हैं। वायर मैंने सारी खोल दी है और इसके ऊपर मैं बिछाना शुरू कर रहा हूँ। ये है लेफ़्ट फॉक की, तो मतलब इस वाले फॉक की है, तो मैं क्या करूँगा, इसके नीचे से बिल्कुल सफाई से ले जाऊँगा इसको मैं। एक केबल मैनेजमेंट भी कोई नाम की चीज़ होती है भाई, तो इसको यहाँ ले जाऊँगा इस तरफ। फ़िलहाल के तौर पर मैं इसको यहाँ रख दूँगा, और ये हो गई हमारी मेन जो रिले वगैरह हैं स्विचेस की वायर, तो ये उसको ऊपर से ले जा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ नीचे से ले जाएंगे इसको,
नीचे से इसको ले जाएंगे और यहाँ से अगर हम देखें तो ये यहाँ से इसको हम ऊपर करेंगे ताकि ये एक छुपी हुई हो, एक्सपोज ना हो। इसको यहाँ से बिल्कुल जेंटली करें, ऐसा नहीं कोई वायर निकला है इसमें से, फिर वो लेने का देने पड़ जाने वाले काम है। ये आ गई नीचे से वायर, कैसा? ये भी जिपटा लगेगी तो और अच्छी हो जाएगी, लेकिन ये है कि बीच में नहीं आ रही किसी चीज़ के, तो केबल मैनेजमेंट बेहतरीन। अब हम क्या करेंगे कि इस कंपोनेंट को अंदर की तरफ ले जाएंगे, तो हम बीच में से वायर काटेंगे फायर वॉल में से, या फायर वॉल कहते हैं इसको, इस चीज़ को, ये जो फ्रेम है, और अंदर लेके जाएंगे। और अंदर हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो स्विच ऑन करने पे ट्रिगर होती है। अंदर आ जाते हैं भाई, तो तीन चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं जो स्विच ऑन करने पे चलती हैं। पावर विंडोज़, पावर मिरर्स, सही है, साइड ग्लास एडजस्ट करने के लिए, और रेडियो, जो भी आपका साउंड सिस्टम। तो मुझे जो कन्वीनियंट लग रहा है कि ये है कि मैं अगर अंदर से वायर लाऊं तो मैं यहाँ पे ले आऊँगा, तो ये मिरर्स के साथ कनेक्ट करूँगा। इसके जो पावर आउटलेट है 12 वोल्ट, तो स्विच ऑन करने पे होता है, जब मैं स्विच ऑन करूँगा तो ये भी ऑन होगा, उसके बाद फॉग भी ऑन होगा, मेक सेंस राइट? तो मैं क्या करूँगा, इसकी जो पावर केबल है उसके साथ इसकी फॉग लाइट की जो पॉजिटिव है वो मैं इसकी पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करूँगा, तो जब भी मैं ऑन करूँगा तो फॉग लाइट भी चलेगी मेरी और ये भी चलेंगे। तो इसका जो पॉजिटिव है वो हम चेक करने के लिए हम ये निकाल देंगे ऐसे, ठीक है जी। और इसका जो ये सॉकेट है ये भी इससे अलग कर देंगे। अब हमारे पास रहेगा ये वायरिंग हार्नेस, तो इसको हम ढूंढने के लिए हम ये मल्टीमीटर यूज़ करेंगे, ठीक है। इस मल्टीमीटर को हम डीसी 20 वोल्ट पे रखेंगे, क्योंकि हमारी गाड़ी का जो वोल्टेज होता है वो मैक्सिमम 14 तक जाता है, 12-14 होता है, तो हम इसको 20 डीसी वोल्ट पे रखेंगे। कहेंगे कि स्विच ऑन कर देंगे हम, क्योंकि ये स्विच ऑन करने पर चलता है, तो हम स्विच ऑन कर देंगे और इसके ऐसे इसमें लगा देंगे ताकि हमें अर्थ या ग्राउंड जो भी कहना चाहे वो मिल सके। और देखें हम वन बाय वन सारी वायर्स पे लगाएंगे, देखेंगे कौन सी में रीडिंग चेंज होगी, तो वो हमारी पॉजिटिव केबल होगी। नहीं, इसमें भी नहीं है, इस पर भी नहीं है, इस पर भी नहीं है, सेम इसमें भी नहीं है। इस पर आप देख सकते हैं कि रीडिंग चेंज हुई लास्ट वाली में, जो राइट से जो लास्ट वाली है उस पर रीडिंग चेंज हो रही है, तो ये हमारी पॉजिटिव है, यानी ये वाली। इस पर हम फॉग लाइट की पॉजिटिव वाली लगाएंगे ताकि ये स्विच ऑन करने पे ये हो गया। अब ये पूरी केबल हमें अंदर लेके जानी है, ये वाला जो पार्ट है मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको अंदर ही जिप टाई कर दूँ। तो मैंने क्या किया है कि इसको मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, इससे इसकी वायर मैंने काट दी है फिलहाल, और ये पॉजिटिव केबल आ रही है यहाँ से फॉग लाइट से, ये देखें यहाँ से आ रही है फॉग लाइट से। और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो हुड की जो केबल है, जब हम बॉनेट खोलते हैं तो जो हुड की ये केबल होती है ये वाली, ये इसकी जो प्लेसमेंट है ना वो देखें आप, ये यहाँ से ही अंदर जा रही है ये, तो मैं इसके साथ ही इसको गाइड करके इसको अंदर लेके जाऊँगा इसमें, और अंदर से इसको मैं खींचूँगा और फिर वहाँ से मैं इसको फिर से इसके साथ कनेक्ट कर दूँगा। वायर के एंड पे मैंने टेपिंग कर दी है ताकि ये ख़राब ना हो, और इसको मैं ऐसे इसके साथ अंदर दबा दूँगा, ये चली गई अंदर। अब मैं इसको अंदर से पुल कर दूंगा, तो इसके नीचे हम देखेंगे कि वो वायर कहाँ है। ये देखें, अंदर से बाहर से अंदर आ चुकी है। और अब इस वायर को इसका जो सरफेस है वो सही तरह से छील के ऐसे, और इस रिले के साथ हम लोग फिर से लगा देंगे। अब जो रिले है, ये रिले आपको नज़र आ रहा होगा, इसको मैंने ऊपर एक के वायर हार्नेस है उसको केबल के साथ बांध दिया है ताकि ये अपनी जगह ऐसे लगा रहे। और अब हमारे पास ये स्विच है, यहाँ पे फॉग लाइट का स्विच लगेगा, और ये पॉजिटिव है इसकी रिले से आ रही है, मतलब फॉग लाइट सी पॉजिटिव है, और इसको हमें इस पर लगाना है, ये वाली पावर मिरर्स की स्विच पे लगाना है। अब हमें ये फॉग लाइट के पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, ये हमें साइड ग्लास के नेगेटिव और पॉजिटिव पे लगाने हैं। हमें तो पता था, हमने मल्टीमीटर से चेक किया था कि ये वाला जो है, एक मिनट ज़रा क्लोज़अप कर दूँ, ये जो है हमारा, ये हमने देखा था कि ये पॉजिटिव है, मल्टीमीटर से हमने चेक किया था। तो हम ये वाली वायर इस पर इससे छील के तरह लगा देंगे ऐसे, ठीक है। और उसके बाद ये वाला हमारा नेगेटिव है,
ये वाला नेगेटिव हम इस पे लगा देंगे। अब होगा क्या कि जब भी हम स्विच ऑन करेंगे तो जो पावर है ना फॉग लाइट को यहाँ से जो मिलनी है वो स्विच ऑन करने में मिलेगी जब साइड ग्लास ऑन होंगे। यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ लग गई है और नेगेटिव नेगेटिव के साथ ये स्विच है उसका फॉग लाइट का। यहाँ से हमारा काम कंप्लीट है। अब यहाँ पे बॉनेट पे हमारे पास ये जो ग्राउंड की केबल है सिर्फ एक कैब केबल रह गई है और ये जो केबल है ये फॉग से आ रही है, तो ये हमें एक अच्छे से ग्राउंड पे लगाना है। जैसे ये ग्राउंड आप देख रहे हैं ये सारे ग्राउंड लगे हुए हैं और इसको हम क्या करेंगे, हम इसके साथ इसको लगा देंगे ऑल्टरनेटर के साथ। अब ये फॉग की जो ग्राउंड है इसको मैं ऑल्टरनेटर के नेगेटिव के साथ लगा दूंगा। अब एक आखिरी चीज़ रह गई है फ्यूज़ लगाना। फ्यूज़ लगाएंगे तो सर्किट कंप्लीट होगा। ये फ्यूज़ बॉक्स में हमने फ्यूज़ लगा दिया, इसका कैप बंद कर दिया और ये हमने इसका स्विच लगा दिया साइड साइड मिरर का, और इससे हम ये वाली जो वायर है स्विच की ये हम पास कर देंगे और इसको सारी वायर को पीछे कर देंगे। ये हमारे यहाँ लग गया और इसके बाद हम ये स्विच है फॉग लाइट का ये हम लगाएंगे। इसकी प्लेसमेंट ऐसे यहाँ करेंगे। अब भाई मुझे जज नहीं कीजिएगा कि ये फॉग लाइट का ये कैसे लगाते हैं, उल्टा लगाते हैं सीधा लगाते हैं, फिगर आउट कर ले गूगल से। अब देखेंगे कि हम चलती हैं कि नहीं चलती फॉग लाइट्स। तो इसको मैं एक्सेसरीज ऑन कर दूंगा स्विच पे। आप देख सकते हैं हमारा स्विच ऑन हो चुका है और बटन दबाने में ग्रीन लाइट भी जल रही है, इसका मतलब फॉग जल रही है। मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। और ये देखें ये स्विच बंद कर दिया, ये ऑन हो गया स्विच और ये फॉग लाइट जल रही है। तो मतलब अगर हम स्विच ऑफ, चाबी निकली हुई होगी तो फॉग लाइट्स नहीं जलेंगी। सही मोमेंट पे हमारे शिराज भाई भी आ गए। काम पूरा ख़त्म हो गया, अब आए हमारे शिराज भाई। शिराज भाई अभी आप वॉलंटियरिंग करेंगे, हमें ज़रा फॉग लाइट ऑन करके दिखाएं। पहले स्विच ऑन कर देना। हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तो इंस्टॉलेशन हो गई है। शिराज इसको पहले स्विच ऑन करो, अब बटन दबाना फॉग का। ये देखें हमारी फॉग इंस्टॉल होके जल गई है और ये बिल्कुल कॉमन हैंड टूल्स है, अपने घर पे भी कर सकते हैं। शिराज भाई मुझे एक ये बताएं कि कराची में इस फॉग का काम क्या है, एक काम है जो आप बता सकते हैं। इसका कोई काम नहीं है, ऐसा काम है सिर्फ शो ऑफ का। क्या शो ऑफ, जरा दे बताएंगे हम हमें। बस हेडलाइट बंद और फॉग लैम्प ऑन।